ये है CP18 प्लांट, इसका कीपैड है, सभी कीपैड का बॉटम में काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये खोलेंगे चारों स्क्रू। चारों खोलने के बाद सेंसर बोर्ड को बाहर निकालेंगे और ये है न्यू कीपैड बोर्ड और साथ में है आपके पैनल बोर्ड का सिस्टम कीपैड का। तो अभी इसको हम लोग खोलेंगे। हाँ, अभी हम लोग इसको बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया CP18 का कीपैड बोर्ड। ये कीपैड अभी इसको पैक ओपन कर दिया हूँ, अभी ये देख सकते हैं ओरिजिनल स्विंग स्टेटर से है, ठीक है। और ये आपके कंट्रोलर सिस्टम, बस अभी इसको फिटिंग करना है। रेड एंड ये दोनों वायर है ये सप्लायर के लिए। और ये आपका एक आर्थिंग पॉइंट है और एक आपका ई पॉइंट है, इको दोनों आप बोर्ड को बाहर निकालेंगे। निकल गए, सिर्फ कीपैड बोर्ड में ये दोनों साइड लगता है। अभी इसका राइट लेफ्ट देखना होगा ताकि जो प्लस वायर जो सिस्टम वायर जो लगा है ये आपका राइट साइड पे आएगा। अब एक कीपैड को चेंज कर रहा हूँ तो हम लोग इसको बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए, ये ख़राब हो चुका है, अब ये नए वाले हैं, इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। अब ये नए वाला अभी फिटिंग हो चुका है। हाँ, तो अभी नए वाले को फिटिंग बस अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी चारों कोने में चार स्क्रू नट जो है उसको टाइट करवा देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डीजी स्टार्ट करके पैनल रनिंग।